अयोध्या में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 63 बटालियन सीआरपीएफ के जवानों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली। बटालियन के पर्यवेक्षक छोटे लाल के निर्देशन के बाइक में तिरंगा बांधे देशभक्ति धुन के बीच बटालियन मुख्यालय नवीन मंडी से प्रयागराज बाईपास, चांदपुर हरवंश, जवाहर नवोदय विद्यालय होते हुए मलिकपुर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों और पार्षद पद के प्रत्याशी राकेश पांडे के सहयोग से घर घर तिरंगा बांटा गया और लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाया गया। रैली के दौरान ग्रामीणों ने करीब 10,000 तिरंगे बांटकर उनको अपने अपने घरों में लगाने के लिए प्रेरित किया गया। कमांडेंट 65 बटालियन के सीआरपीएफ ने बताया कि यह रैली स्थानीय लोगों और आम जन मानस में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए निकाली गई है। कार्यक्रम में द्वितीय कमान अधिकारी सरकार राजा रमन, उप कमांडेंट अशोक कुमार शील, उप कमांडेंट अजय कुमार, सहायक कमांडेंट विभास राय, सहायक कमांडेंट आरएन चौहान, सीआरपीएफ के जवान और राकेश पांडे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए दिखाते विराट 24 न्यूज के अयोध्या में मनोज यादव की रिपोर्ट। खुश रहो खुश रहो, कभी हमने हमारे द्वारा हमारे गांव ग्राम सभा में जो कि नगर निगम में अब कर्पूरी ठाकुर वार्ड की तरह का के नाम से एक नया वार्ड बना हुआ है, इसमें हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने घर घर तिरंगा झंडा दिया है जो भारत की शान है, और इस झंडे के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास किया है कि आज के दो दिन बाद 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसके लिए हम लोगों ने एक भव्य रैली के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसमें हमारे साथ हमारे ग्राम सभा के तमाम नौजवान, बच्चे, माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग और सीआरपीएफ के जवान विशेष रूप से सहयोग किए। धन्यवाद। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, जिसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और हमारे जो भारत सरकार है और हमारे विभाग की तरफ से जो निर्देश मिले हैं उसके तहत हर नागरिक हर घर के ऊपर जो तिरंगा फहराया जाना है, उसी के तहत जो हमें जिम्मेदारी मिली है वो कुल 25,000 तिरंगा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है, उसी के तहत आज हम लोग आपके गांव की तरफ लोगों के बीच में गए तिरंगा फहराने के लिए, उनको बताए और तिरंगा वितरित भी किए। यह हमारा अभियान 15 अगस्त तक चलेगा और बड़े हर्ष की बात यह है कि लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और जो एक देश प्रेम की भावना देखने को मिल रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और गांव के लोग, बच्चे, स्कूल के बच्चे, उन्होंने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया वो देखते ही बना, और हम लोग अभी और गांव बचे हुए हैं और लोग बचे हुए हैं, और जो हमें टास्क मिला है, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उससे बढ़ चढ़ करके हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं।